नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज नेटवर्क। अभी हम मौजूद हैं बिहार के भागलपुर जिले के इस्माइलपुर प्रखंड के इस्माइलपुर पश्चिमी भिट्टा पंचायत में। आइए जानते हैं यहाँ के मुखिया जी से यहाँ की समस्या के बारे में, पंचायत की। मुखिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बिहार न्यूज चैनल में। मैं मुखिया किरण देवी आप सभी को स्वागत करती हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो शख्स जिन्हें आप देख रहे हैं हमारे टीवी स्क्रीन पे, यहाँ के कार्यवाहक है, आइए सीधे तौर पे जानते हैं इनसे। 18 से 19 माह हो गए इनके चुनाव जीते हुए। इन बीते वर्ष में इन्होंने क्या क्या विकास का कार्य किया है, किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा इनको विकास कार्य करने में, रुक करते हैं और जानते हैं, बात करते हैं मुखिया जी से। मुखिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बिहार न्यूज चैनल में। सबसे पहले हम लाइव बिहार झारखंड में चैनल की तरफ से आप लोग को नमस्कार है, और मैं आप लोगों से 17 और 18 महीने के कार्यकाल में जो मैंने काम किए हैं, जैसे 15वीं वित्त आयोग से 1600 स्क्वायर फीट नाले का कार्य किए हैं, और इसी रोड ढलाई का काम किए हैं, जैसे कि फाइबर ब्लॉक का भी कुछ काम हुआ है जी, और क्या करके हम लोग 3 अंबेडकर चौपाल जो बहुत पुराने बने हुए थे उनका जीर्णोद्धार किए हैं, ये कार्य अभी तक हम लोग किए हैं। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप कितने लोगों, कितने लाभुक को आवास मुहैया करवाए हैं आप? हम लोग अभी जैसे पुराना लिस्ट के अनुसार 11 लाभुकों को मतलब जो है किस्त का अनुदान गया हुआ है, उसके बाद अभी तक पेमेंट ही नहीं आया हुआ है। मैं प्रधानमंत्री से ये कहना चाहूँगा कि जितना जल्द हो आप पैसा भेजें, और जैसे कि आप बोले थे कि 24 तक जो है जितने भी आवास हैं सबका घर बन करके तैयार हो जाएगा। शिक्षा की कैसी व्यवस्था आपके पंचायत में? शिक्षा की व्यवस्था हम लोग के यहाँ अच्छी है, हमारे यहाँ प्लस टू तक की स्कूल है और कस्तूरबा भी है जो कि पढ़ाई के माध्यम में बहुत अच्छी है। शिक्षक वगैरह सही समय पे आते हैं? जी, शिक्षक वगैरह सही समय पे आते हैं हम लोग के यहाँ। शिक्षक की कमी भी है आपके पंचायत, आपके प्रखंड में? जी, हमारे यहाँ शिक्षक की कमी है, जो 2022 में 5 शिक्षक आए हुए थे जी, फिर भी अभी लगभग 7 शिक्षक की कमी है, जो सरकार से मांग है हम लोग का कि कम से कम मेरे पंचायत में 7 शिक्षक अगर आ जाते हैं तो हम लोग के यहाँ व्यवस्था पढ़ाई का और दुरुस्त हो जाएगा। टोटल राशन कार्ड धारी कितने हैं आपके पंचायत में, कितने प्रतिशत लोग को राशन कार्ड मिला हुआ है आपके पंचायत में? मेरे पंचायत में लगभग 70% के लगभग है राशन कार्ड उपलब्ध है। ये जो न्यू जनरेशन में है अभी उन लोगों का राशन कार्ड नहीं बन रहा है, क्योंकि आने वाले समय में बना रहे, धीरे धीरे करके सब लोग बना रहे। डीलर के द्वारा किसी प्रकार की परेशानी भी होती है विकास कार्य को लेकर के, जनता के बीच अनाज समय पर नहीं देना, कम देना? जी नहीं, हमारे यहाँ डीलर के यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई शिकायत नहीं आती है, डीलर समय पे राशन देते हैं, हमारे यहाँ 5 डीलर है क्योंकि समय पे राशन देते हैं, उसमें कहीं कोई कटौती नहीं है। मनरेगा से भी कुछ विकास हुआ है आपके पंचायत में? जी, मनरेगा से भी विकास हुआ है, जैसे मिट्टी भराई का कार्य हुआ है आपके यहाँ प्रखंड में, मिट्टी का वर्क हुआ है, उसके बाद कुछ पौधारोपण हुआ है। आपके पंचायत की मूल समस्या क्या है विकास कार्य को लेकर? ये मेरे पंचायत का मूल समस्या है, अभी तो हम लोग के यहाँ 2022 में पेमेंट नहीं आया जी, जो पुराना पेमेंट था उसी पेमेंट से हम लोग का कार्य हुआ है। जल नल की कैसी स्थिति है आपके पंचायत में? ये जल नल की स्थिति जैसे PHD का जो था उसका तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जो हमने शिकायत भी किए मगर शिकायत पे कोई अमल नहीं है, यानी अफसरशाही है आपके प्रखंड में? जी, उस पर अफसरशाही है, शिकायत करने के बावजूद भी, एक मुखिया का शिकायत फरियाद जाने के बाद भी कार्य नहीं होता है, ये तो हम लोग के लिए बहुत दुर्भाग्य, यानी अफसरशाही है जी। माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट और आपके पंचायत में धरातल पे नहीं है? जी, हमारे यहाँ पंचायत में 4 जो है PHD का है जी, और 5 DRD का जो है, DRD से? जी, DRD से बना हुआ था, जो अभी DRD वाले से जो भी है थे 5, वो भी PHD विभाग में चला गया। हम लोग का तो और दुर्भाग्य है
ये जो PhD में तो पहले से वर्क नहीं हो रहा था जी, जो अभी न्यू है जो PhD में थे हम लोग का वो भी PhD में चला गया, उसका तो और बेहतर से बेहतर स्थिति हो जाएगी। जो कि पब्लिक जो भी है हम लोग के यहाँ आते हैं, जो भी कोई परेशानी होती है, नल टूट गया, पाइप फट गया, तो उसके समस्या को लेकर के मेरे यहाँ आते हैं कि चलिए मुखिया जी मेरा कार्य करा दीजिए। और हम लोग कार्य क्या कराएंगे जब मेरे विभाग में ही नहीं है, तो हम लोग क्या कार्य कराएंगे। तो हम सरकार से यही अपील करना चाहते हैं, जो भी स्थिति थी पहले से PhD विभाग का वो तो और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, जर्जर स्थिति और जर्जर स्थिति हो जाएगा पेयजल का। आप क्या कहना चाहेंगे पंचायती राज के साथ जो ये अधहनन हुआ है पंचायत में मुखिया लोगों के साथ, उनके अधिकार के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इससे क्या संदेश देना चाहेंगे अपने पंचायती राज मंत्री को आप? मैं पंचायती राज मंत्री से यही कहना चाहता हूँ, जो मुखिया पूरे मेहनत से करके मुखिया बनते हैं, और मुखिया का जो भी प्रोजेक्ट था जैसे नल जल था और उसके बाद लाइट था जी, और वगैरह जैसे पंचायत सरकार भवन था जी, वो सब आप लोग कंपनी को दे रहे हैं जी, जैसे कि DRT कंपनी को दे दिए, PhD को दे दिए, PhD को दे दिए नल जल जी, ब्रेडा कंपनी को लाइट दे दिए जी, जैसे कि अभी पंचायत सरकार भवन बनेगा वो भी कोई एजेंसी को दे रहे हैं, तो मुखिया के पास बचा क्या है? यानी मुखिया के अधिकार के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, मुखिया के साथ तो बहुत ज्यादा खिलवाड़ हो रहा है, ये मुखिया के काम तो बहुत आनंद हो रहा है। हमारे चैनल के माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री और पंचायती राज मंत्री से क्या मांग रखना चाहते हैं अपने पंचायत के विकास को लेकर के? मैं माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री एवं पंचायती राज मंत्री से यही मांग रखना चाहता हूँ कि जो भी कार्य मुखिया को सौंपें वह कार्य मुखिया बढ़िया से करते हैं, और मुखिया के ऊपर भरोसा करके आप कार्य दें, किसी कंपनी किसी एजेंसी को ना दें, मेरा यही कहना है सरकार से। और मुखिया के साथ ज़्यादा मान के चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा खिलवाड़ ना हो, और सभी मुखिया पूरे बिहार के मुखिया को हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग एकजुट होकर के एक बार सरकार के खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए भी तैयार हैं, जो कि हम लोग का ऊपर वहाँ तक आवाज़ पहुँचे, जो कि उस सब चीज पर अमल करे सरकार। ये थे इस्माइलपुर भिट्टा के मुखिया प्रतिनिधि अनिल पोद्दार जी। इनके पंचायत की मूल समस्या है विकास कार्य को लेकर के, इनके पंच ये चाहते हैं कि जो मुखिया का अधिकार है वो मुखिया को ही मिले, मुखिया को मुखिया ही रहने दे, मुखोटा न बनाए, क्योंकि पंचायत की जितनी भी कार्य होती है वो मुखिया जी के द्वारा ही की जाती है। कैमरामैन गौरव के साथ अमित कुमार, बिहार न्यूज।